बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भारत की स्थलाकृति पर चर्चा की और उसमें हमने देखा कि भारत की स्थलाकृति में बहुत ज़्यादा भिन्नता जो है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे कहीं पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं तो कहीं पर तटीय मैदान हैं, कहीं पर पठार है तो कहीं पर मरुस्थल की स्थिति है, कहीं घने वनस्पति आच्छादित क्षेत्र हैं तो कहीं पर उपजाऊ मैदान है। ये सभी का जो प्रभाव है ये यहाँ पर जलवायु पर पड़ता है। आज हम चर्चा करेंगे जलवायु पर। बच्चों, जरा सोचिए कि जब ठंड के मौसम होते हैं तो इन सर्दियों के मौसम में आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या रात में आपको ब्लैंकेट ओढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या फिर यही जब मौसम गर्मियों के होते हैं तो आप विचार कीजिए कि आप हल्के या सफ़ेद रंग के वस्त्र ही क्यों पहनते हैं, या वर्षा जो है वो आपके जुलाई अगस्त महीने में ही क्यों होती है। ये हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है और इसी चीज़ को हम देखते हैं। इसी संदर्भ में हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि जब गर्मियों के मौसम होते हैं तो पूरा संपूर्ण जो हमारा उत्तरी भारत है, गंगा के पूरे उत्तरी मैदान में हम देखते हैं कि लू चलने लगती है, और वहीं जब सर्दियों के मौसम होते हैं तो हम देखते हैं कि शीतलहर से भी काफ़ी लोग जो हैं मर जाते हैं। तो इतनी तेज गर्म हवा और उतनी ही ठंडी हवा, ऐसा क्यों? आप इस पर भी विचार कीजिए कि ऐसा ही भारत के और किन क्षेत्रों में होता है, गंगा के या हम कहें उत्तरी मैदानी इलाके के अलावा और ऐसा किस क्षेत्र में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो होती हैं। दूसरी चीज़, हम देख रहे हैं कि जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है मेघालय, तो मेघालय में एक दिन में जितनी वर्षा हो जाती है वहीं भारत के ही दूसरे क्षेत्र हम देखते हैं जो राजस्थान का जैसलमेर इलाका है, इस जैसलमेर में जितनी वर्षा मेघालय में एक दिन में होती है उतनी ही वर्षा यहाँ पर 10 वर्षों में दर्ज की जाती है। इतनी भिन्नता, ऐसा क्यों? इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब दिसंबर का महीना होता है तो दिसंबर के महीने में जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इस जम्मू कश्मीर के जो द्रास नामक स्थान पे जो तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन उसी दिसंबर की ही रात में हम देखेंगे कि भारत के दूसरे छोर पर तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है वहाँ पर जो रात का टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो तापमान में इतनी भिन्नता क्यों? इसके साथ ही कभी हम ये महसूस करते हैं, मतलब हवाओं की दिशा में परिवर्तन को भी हम महसूस करते हैं। जैसे कभी पूर्व या उत्तर पूर्व से हवा चल रही होती है और कभी हमें ये महसूस होता है कि हवा जो है वो पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से चल रही है। तो ये सभी जो परिवर्तन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें देखने को मिलते हैं, या फिर जो हमने पहले चर्चा की कि ऋतुओं के अनुसार जो ये परिवर्तन, या हमें अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग कपड़ों की आवश्यकता महसूस की जाती है, ऐसा क्यों? तो ये सब जो है वो किस स्थान की वायुमंडलीय अवस्थाओं पर डिपेंड करती है, और ये वायुमंडलीय अवस्थाएं ही जो हैं वो किसी स्थान के मौसम और जलवायु का निर्धारण करती है। अब हमने कहा मौसम और जलवायु, आज हमारा चैप्टर भी यही है, जलवायु। इस जलवायु पर ही हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, और उस पर इतनी सारी जो भिन्नताएं अभी हमने देखी उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, हम जब बात करते हैं मौसम, या हम सामान्य दिनचर्या में भी बोलचाल में ये शब्द उपयोग करते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है, अभी वर्षा ऋतु है, या अभी शीत ऋतु है, तो ये मौसम क्या होता है? मौसम जो है वो किसी स्थान की लघु अवधि मतलब छोटे समय की वायुमंडलीय अवस्थाओं का परिचायक होती है। अब वो वायुमंडलीय अवस्थाएं क्या होंगी?
जैसे आप इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम किसी दिन में हम लघु अवधि की बोल रहे हैं, मतलब लघु अवधि की जो वायुमंडलीय अवस्थाएं होती हैं उसमें हम एक दिन में, कुछ घंटों में या हफ्तों में भी परिवर्तन जो है वो महसूस करते हैं। अब ये वायुमंडलीय अवस्थाएं क्या होती हैं? ये वायुमंडलीय अवस्थाएं जो हैं वो आपका तापमान है, इसके साथ वायु दाब है, आर्द्रता, आर्द्रता को हम एकदम सरल शब्दों में समझ सकते हैं जिसे हम नमी कहते हैं, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। हाँ बच्चों, और ये आर्द्रता ही जो है, जो वर्षा है वो पूरी तरह से इसी आर्द्रता पर डिपेंड करती है। तो हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि जैसे कोई एक दिन है जब आप सुबह उठते हैं तब आप ये देखते हैं कि मौसम जो है वो एकदम साफ है, खुला आसमान है। अब दोपहर होते होते हम देखते हैं कि आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, और ये क्या, हम कुछ ही देर में ये देखते हैं या कुछ घंटों में ही हम देखते हैं कि तेज बारिश जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद मौसम में फिर तीव्र परिवर्तन। वो तीव्र परिवर्तन कैसा, कि इस तेज बारिश के बाद हम तुरंत ही देखते हैं कि एकाध घंटे में ही मौसम जो है वो फिर से साफ हो जाता है और धूप खिल जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी हमने जो कहा था लघु अवधि या छोटे समय की, तो मौसम हम उसे कह रहे हैं जिसमें छोटे ही समय में, कम समय में किसी स्थान की जो वायुमंडलीय अवस्थाएं होती हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे अभी हमने देखा कि एक ही दिन में सुबह खुला आसमान, फिर दोपहर होते होते तेज हवाएं चलने लगी, काले बादल छा गए आसमान में, उसके बाद बारिश शुरू हो गई, और फिर कुछ ही घंटों में मौसम फिर से खुल गया या आसमान जो है वो एकदम साफ हो गया। तो हमने देखा कि वायुमंडलीय अवस्थाएं, ये जो हमने बात की थी तापमान की, वर्षा की, आर्द्रता या वायु दाब, ये सभी जो हैं वो एक दिन में, कुछ ही घंटों में इनमें परिवर्तन देखने को मिला। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मौसम। अब मौसम में हमने चर्चा की ये कि लघु अवधि की है, कम समय की है, और इस कम समय में ही वायुमंडल में उपस्थित जो हम इन तत्व की बात कर रहे हैं, हाँ, जैसे तापमान, वायुदाब, पवने या नमी और आर्द्रता, तो इन सब में परिवर्तन होता है। लेकिन जब हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु जो है ये एक लंबी अवधि की मौसमी दशाओं को हम क्या कहते हैं, जलवायु। जैसे कि एक वर्ष में जो मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं इन वायुमंडलीय अवस्थाओं में, उसके अनुसार हम किसी स्थान के मौसम का निर्धारण कर देते हैं जिसे हम क्रमशः ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या वर्षा ऋतु कहते हैं। तो जैसे यदि हम महीनों से भी कम समय में आ जाए, हाँ, एक दिन में बच्चों आप महसूस करेंगे कि सुबह तापमान कुछ और था, दोपहर होते होते तापमान बढ़ जाता है, और शाम ढलते ढलते तापमान में हमें फिर कमी की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, और रात में ये टेम्परेचर जो है वो और कम हो जाता है। तो एक दिन का जो अधिकतम तापमान होता है और उसी दिन का जो न्यूनतम तापमान होता है, ये दोनों का हम औसत तापमान निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं, और ये दैनिक औसत तापमान हो जाता है। इसी तरह हम किसी महीने का जो अधिकतम है और न्यूनतम तापमान निकाल लेते हैं, मतलब महीने में 30 दिन होते हैं और उस 30 दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के आधार पर उस महीने का औसत मासिक तापमान निकाल लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इन महीनों के औसत तापमान के आधार पर हम उस स्थान का औसत वार्षिक तापमान जो है वो निकाल लेते हैं। और लगभग ये लंबी अवधि कह रहे हैं हम, तो ये कोई 5 से 10 वर्षों की बात नहीं कर रहे हैं। जलवायु जो है वो किसी स्थान की लगभग 30 वर्ष और उससे भी अधिक मौसमी दशाओं को दर्शाती है, मतलब
हम किस स्थान पर ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, लगातार 30 वर्षों तक उस दिन के दैनिक, मासिक और वार्षिक तापमान के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि किस स्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, गर्म है, शीत है, शुष्क है या आर्द्र है, और इस आधार पर जो है वो हम उस स्थान की जलवायु का निर्धारण जो है करते हैं। बच्चों, हम यदि भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत की ही नहीं, हम यदि देखें तो विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो बच्चों, अभी मैंने दो टर्म्स यूज़ किए कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय, और उष्णकटिबंधीय के साथ साथ कैसी है, मानसूनी है। तो आइए हम ये दोनों ही टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं। इस मानचित्र पर आप देख पा रहे होंगे, जब हम उष्णकटिबंधीय कह रहे हैं तो हम इसे समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार उष्णकटिबंधीय है या उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं। तो ये ग्लोब में आप देख पा रहे होंगे, इस ग्लोब को लगभग 20 से एक रेखा जो है वो काट रही है, और बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री की है। इस 0 डिग्री या 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा लेटीट्यूड, लेटी हुई रेखा है ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। इसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। इस इक्वेटर से या 0 डिग्री की भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसी ही लेटी हुई कुल 90 अक्षांश रेखाएं जो हैं वो इस इक्वेटर के उत्तर में भी और इसी इक्वेटर के दक्षिण में भी खींची गई हैं, उतनी ही 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में। ये सभी जो हैं वो लेटी हुई रेखाएं हैं जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और ये कुल 180 जो है खींची गई हैं पूरी पृथ्वी पर। तो बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि जब हम इस इक्वेटर से उत्तर की तरफ जाते हैं तो हम पूरा उत्तरी जो है, जैसे हमने मानो एक सेब को 20 से काट दिया हो और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम उत्तरी गोलार्ध या नदन हेमिस्फीयर कहते हैं, और उसका जो दक्षिणी वाला भाग है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब इसी में एक चीज़ आप और देखेंगे कि जैसे 0 डिग्री है, ऐसी ही कुछ वैल्यू की जो है और इम्पॉर्टेंट हमारी लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 अंश की, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में उसी 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। फिर हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो हम देखते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और फिर जो पोल पर है बिल्कुल केंद्र पर उत्तर में, उसे हम 90 डिग्री या नॉर्थ पोल, और दक्षिण में हम उसे साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो जब हम 0 डिग्री से 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्ष भर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो एकदम लंबवत होती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो जब हम 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जाते हैं तो इसे हम ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंध कहते हैं। बच्चों, इक्वेटर में तो हमें पता है भूमध्य रेखा में कि सूर्य की किरणें जो हैं वो एकदम लंबवत होती हैं वर्ष भर या सीधी पड़ती हैं, लेकिन सूर्य की जो यात्रा है, या हम कहें कि पृथ्वी पर जहाँ तक लंबवत पड़ती है सूर्य की किरणें, वो क्षेत्र कौन सा है, तो वो है आपका 23.5 अंश उत्तर में और 23.5 अंश दक्षिण में, कर्क और मकर रेखा के बीच। कुछ समय ऐसे होते हैं, जैसे तिथियों का तो हमें पता ही है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, और जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो सूर्य की यात्रा उत्तर की तरफ शुरू होती है और
लगभग 21 जून को ये कर्क रेखा पर लंबवत होती है। मतलब इसे आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, 21 मार्च की स्थिति हम देख रहे हैं, उसके बाद 21 अप्रैल, 21 मई और 21 जून, तो लगभग 3 महीने में ये जो है ये 23 से 24 अंश अक्षांश की यात्रा जो है वो पूरी करता है। मतलब कि 1 महीने में 8 डिग्री अक्षांश को है सूर्य जो है वो पार करता है, या हम ये कहें कि पृथ्वी का 8 डिग्री अक्षांश जो है वो लगभग 1 महीने में सूर्य के सामने आता है, फिर दूसरे महीने में 16 डिग्री अक्षांश और तीसरे महीने में लगभग वही 23.5 डिग्री अक्षांश या 24 डिग्री अक्षांश के आसपास जो है वो सूर्य लंबवत होता है, और वो कर्क रेखा तक पहुंचकर फिर से उसकी यात्रा जो है वो बैक हो जाती है। मतलब किधर हो जाती है, वो फिर से विषुवत रेखा की तरफ आगे बढ़ने लगता है उसकी किरणें सीधी पड़ने के लिए। तो ठीक यही स्थिति होती है, 21 जून पर ये कर्क रेखा पर लंबवत है और उसके बाद फिर 23 सितंबर की जो स्थिति है वो फिर से भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और इसकी यात्रा आगे बढ़ती है मकर रेखा की तरफ, और 23 सितंबर के बाद 21 दिसंबर की तिथि को ये मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो ठीक वैसे ही जैसे भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में लगभग 23 से 24 डिग्री अक्षांश को पार करने में लगने वाला समय 3 महीने का, वही 3 महीने जो हैं वो आपके भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक की दूरी को तय करने में लगते हैं। मतलब हर महीने में 8 डिग्री अक्षांश जो है वो सूर्य के सामने आता है, जैसे कर्क रेखा में, ठीक उसी प्रकार मकर रेखा में भी यही स्थिति हमें देखने को मिल रही है। फिर हम देखते हैं कि 22 दिसंबर जो है वो तिथि होती है जब सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है या उसकी किरणें जो है वो एकदम सीधी पड़ती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दो कर्क और मकर रेखा तक ही सूर्य की किरणें जो हैं वो लंबवत होती हैं, सीधी पड़ती हैं, अधिक प्रकाश मिलता है, इसलिए ये जो जोन है या ये पेटी जो है वो ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आती है जिसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। इसके उत्तर या दक्षिण में यदि हम जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है, एक कारण ये भी है और दूसरा कारण इसका ये भी है कि ये अपने अक्ष पर 23.5 अंश जो है वो झुकी हुई है। इस कारण से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि सूर्य की किरणें जो है वो एकदम तिरछी होती जाती हैं, ऊर्जा की मात्रा उतनी ही ऊर्जा की मात्रा अधिक क्षेत्र में मिलती है लेकिन तापमान जो है वो कम होता है। तो इसके ऊपर यदि हम जाते हैं कर्क और मकर रेखा के और उत्तर और दक्षिण में लगभग 66.5 डिग्री अक्षांश तक जब हम बढ़ते हैं तो उस जोन को हम कहते हैं टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध, शीत और उष्ण, ना बहुत ज़्यादा ठंडी ना बहुत ज़्यादा गर्म। फिर जैसे ही हम 66.5 डिग्री से उत्तर की तरफ नॉर्थ पोल में 90 डिग्री तक जाते हैं और ठीक वैसे ही दक्षिण में भी जब हम आते हैं साउथ पोल की तरफ 90 डिग्री में 66.5 से 90 डिग्री तक, तो हम देखते हैं कि हम उसको फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध जो है वो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचते तक सूर्य की किरणें जो हैं वो एकदम तिरछी हो जाती हैं और तापमान की मात्रा जो है वो बहुत कम रह जाती है, इतनी कम रह जाती है कि आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं जैसे सूर्योदय होता है हमारे क्षेत्र में, जब सूर्योदय होता है और उस सूर्योदय की स्थिति के समय जो तापमान हमें मिलता है ठीक उसी प्रकार का जो तापमान है उतनी ही तिरछी किरणें जो हैं वो उन दोनों ध्रुवों के आसपास तक पड़ती हैं, मतलब 66.5 से ऊपर और वैसा ही दक्षिणी गोलार्ध में भी, और उतना ही कम तापमान वहाँ पर मिलता है। तो इसके साथ ही हमको एक बात और समझनी होगी कि जब हमने 21 जून और 22 दिसंबर की बात की तो हमने देखा कि जब सूर्य उत्तरायण है मतलब जब इक्वेटर से उत्तर की तरफ उसकी यात्रा चलती है कर्क रेखा तक में, तो हम उसे कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण की स्थिति है, मतलब सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत चमक रहा है। लेकिन जब उसकी मकर रेखा तरफ की यात्रा होती है भूमध्य रेखा से मकर रेखा तरफ, तो हम उसे कहते हैं कि सूर्य की स्थिति दक्षिणायन है, मतलब
सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं या उसका जो लंबवत प्रकाश है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है, तो जिसे हम कहते हैं कि अभी उसकी स्थिति दक्षिणायन है। तो जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है ना, जिसे अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि हमें दिसंबर जनवरी के महीने में, नवंबर दिसंबर और जनवरी के महीने में हमें स्वेटर पहनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या जो अप्रैल और मई का महीना है उसमें हम क्यों कोशिश करते हैं कि हम हल्के या सफ़ेद रंग के ही वस्त्र पहने, या फिर जुलाई अगस्त के महीने में ही क्यों वर्षा होती है, तो ये सबका उत्तर यहीं पर है। जबकि हम देखेंगे सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर सीधा होता है तो हमें लंबवत प्रकाश मिल रहा है, लंबवत किरणें मिल रही है, अधिक तापमान मिल रहा है, दिन की अवधि बड़ी है। दिन की अवधि बड़ी इसलिए है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो अधिक समय तक हमारे उत्तरी गोलार्ध को मिल पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान भी अधिक होता है और जिसे हम कहते हैं कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है या गर्मी का मौसम है। लेकिन ठीक उसी समय हम देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में कोई व्यक्ति अगर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो वो उसके उस क्षेत्र में वो कहेगा कि हमारे यहाँ शीत ऋतु है, क्योंकि तब सूर्य की जो किरणें हैं जब नदन हेमिस्फीयर में लंबवत हैं तो सदन हेमिस्फीयर में क्या स्थिति होगी, वहाँ पर ये किरणें जो हैं वो एकदम तिरछी होंगी, तो कम प्रकाश मिलेगा, दिन की अवधि छोटी होगी, जिसके कारण कम तापमान, कम प्रकाश, कम तापमान, और हम इसे कह रहे हैं कि शीत ऋतु है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य की स्थिति लंबवत होगी मकर रेखा पर तो हमारे यहाँ शीत ऋतु होगी, लेकिन मकर रेखा या दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं वहाँ पर हम कहेंगे कि वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है। तो ऋतुओं या मौसम में परिवर्तन जो है वो कुछ इस प्रकार होता है। और बच्चों इसी मानचित्र पर आप बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे जो मैंने अभी ट्रॉपिकल जोन बताया आपको कि 0 से 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में हमारे देश की स्थिति है। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल जोन मैंने बताया और यहीं पर हमारे देश की भी स्थिति जो है वो आपको देखने को मिल रही है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, लेकिन भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो आपके टेम्परेट जोन में आ रहा है, क्योंकि हमें पता है भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो हम 23.5 अंश को क्या कह रहे हैं, 0 से 23.5 के बीच का ट्रॉपिकल जोन है, उष्णकटिबंध है। और जैसे ही हम 23.5 से उत्तर की तरफ जा रहे हैं 66.5 तक, तो हमारा उत्तरी विस्तार भारत का क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये जो बीच का क्षेत्र है या उसकी जो स्थिति है वो हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेट जोन में आ रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इसका जो अधिकांश हिस्सा है, कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत को लगभग हमारे भारत के लगभग मध्य से होकर, बीच से होकर गुजरती है, जो गुजरात में कच्छ के रण से लेकर मिजोरम तक फैली हुई है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ये लगभग मध्य से होकर गुजर रही है और भारत का अधिकांश जो दक्षिणी हिस्सा है वो पूरा आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो इसलिए हमारे भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल टाइप की है। लेकिन इसके साथ ही हमने कहा कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है, मानसूनी प्रकार की है। तो मानसूनी कैसे हो गया, हम देखते हैं हमारे भारत के उत्तर में उत्तरी पर्वतीय श्रेणी, जिसे हमें हम हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं, इसका विस्तार है। और बच्चों इसके उत्तर में हम जाते हैं तो तिब्बत, चीन और ये आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र जो है वो हमें नज़र आ रहा है। साइबेरिया हमें पता है विश्व का सबसे बड़ा देश है, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि साइबेरिया का जो पूर्वी हिस्सा है वो एशिया के अंतर्गत आता है और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो यूरोप के अंतर्गत आता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के एकदम पास स्थित होने के कारण यह साइबेरिया के क्षेत्र में पूरे बहुत ज़्यादा जो शीत लहरें हैं वो चलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी है वो एक रक्षक की भांति हमारे उत्तर में खड़ी हुई है, एक ढाल बनकर खड़ी हुई है। किस रूप में ढाल, तो चाहे वो शत्रुओं से रक्षा के लिए हो, पड़ोसी देशों
आपके जो शत्रु हैं उनसे रक्षा के लिए भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज, जलवायु के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ध्रुवीय या साइबेरिया वाले क्षेत्र से आने वाली जो इतनी ठंडी शीत लहरें हैं उनसे भी ये हमारी रक्षा करती है। नहीं तो जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उसके ऊपर जो देश स्थित हैं, ठीक उसी प्रकार की जो जलवायु है वो हमारे देश में भी होती। चूँकि ये हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर में हमारे ढाल की तरह बनकर खड़ी हुई है, जो कि तिब्बत और साइबेरिया की तरफ से आने वाली जो शीत लहरें हैं उनकी चपेट में आने से हमें बचा लेती है या उनसे हमारी रक्षा करती है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और उत्तरी जो क्षेत्र है वो पूरा स्थलीय रूप है, स्थल भाग से घिरा हुआ है, तो उसके कारण हम देख रहे हैं कि ताप और दाब की स्थिति में भी जो है वो हमको अंतर देखने को मिलता है। और इस कारण हम कह रहे हैं कि जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध में आते हुए भी उसकी जो विशेषता है वो उष्ण कटिबंधी जलवायु वाली है। और चूंकि तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए स्थिति के कारण और उत्तरी क्षेत्र में पूरे स्थल भाग से घिरे होने के कारण इसमें ताप और दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि हवाओं की दिशा में भी जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि कभी हमें महसूस होता है कि हवाएं जो हैं वो पूर्व या उत्तर पूर्व से आ रही हैं, फिर कभी हमें महसूस होता है कि जो हवाएं हैं वो पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं, तो ये इसी कारण होता है, स्थल और जल के स्वभाव के कारण। और हमारे भारत में ये जो स्थल और जल का वितरण है वहाँ पर ठंड और गर्मी के मौसम में हम देखेंगे ताप में भिन्नता हो जाती है और उसके साथ साथ ताप में अंतर के कारण दाब में भिन्नता देखने को मिलती है। और ये ताप और दाब में जो भिन्नता है वो हवाओं की दिशा में परिवर्तन लाता है। इसी कारण हम कहते हैं कि यहाँ पर मानसूनी जलवायु मिलती है। तो बच्चों, आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम क्यों कहते हैं कि हमारे भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। अभी मैंने मानसूनी कहा, तो ये मानसूनी शब्द का जो उद्भव कह सकते हैं, इसकी उत्पत्ति जो है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। और मौसम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसे मौसम कहते हैं, मतलब ऐसी हवाएं जो मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार वर्ष में अपनी दिशा बदल देती है, जिसे हम मानसूनी हवाएं कहते हैं या मौसमी हवाएं कहते हैं। और ये जो अरब देश के नाविक थे, हम कह सकते हैं उनके द्वारा ही इसकी उत्पत्ति, उनके द्वारा ही ये नाम जो है वो दिया गया है, क्योंकि जब वो व्यापार के उद्देश्य से भारत के तटीय क्षेत्रों में आते थे तो वो क्या देखते थे, अपने पहले तो पालदार नाव या जहाज चला करते थे जो हवाओं की दिशा का अनुसरण करने से तीव्र गति से चलते थे। अब हम ये देखते हैं कि जब ये अरब देश के जो नाविक हैं वो एक मौसम होता था जब अपनी जो जहाज है या नाव है उसको ये हिंद महासागर में उतार देते थे और हवाओं की जो दिशा थी वो दक्षिण पश्चिम होती थी, तो ये नाव जो है ये हवाओं की दिशा के सहारे ही भारत के तटीय क्षेत्रों पर पहुंच जाते थे। और फिर 4 महीने वो अपना वहाँ पर व्यापार करते थे और उसके बाद फिर से जब लगभग 6 महीने के आसपास, 4 से 6 महीने के बाद हवाओं की दिशा में जब फिर परिवर्तन होता था और हवाओं की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व हो जाती थी, तो उन भारत के तटीय क्षेत्र के सहारे वो फिर से जहाज ये नाव को अपने समुद्र में उतार देते थे और इन उत्तर पूर्वी हवाओं के सहारे आसानी से उनके नाव या जहाज जो हैं वो वापस अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि शब्द की उत्पत्ति अरब देशों के नाविकों के द्वारा ही जो है वो दी गई है। और आप बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि ये उष्णकटिबंधी या मानसूनी शब्द का जो हम उपयोग कर रहे हैं वो किस लिए है। अब बच्चों,
ये उष्णकटिबंधीय और मानसूनी तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी एक जो सामान्य प्रतिरूप हमने देखा अपने देश की जलवायु का, उसके बाद भी इसमें एकरूपता नहीं होते हुए जलवायु से संबंधित बहुत सारी भिन्नताएं स्पष्ट रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो दो महत्वपूर्ण तत्व जिसे हम तापमान और वर्षण, ये जो जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, इस आधार पर हम देखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान के मौसम में हमें किस प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है। बच्चों, तो हम गर्मियों में जब गर्मियों की बात करते हैं, जब हम तापमान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में जहाँ राजस्थान का जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल इलाके के बहुत से क्षेत्रों में टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन वहीं हम देखेंगे कि गर्मी के मौसम में ही जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम है वहां पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। वहीं हम एक और सर्दियों के मौसम की बात कर लें, तो सर्दियों के मौसम में भी हम देखेंगे जहां जम्मू कश्मीर का जो द्रास है वहां पर जो तापमान है वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। लेकिन जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर हम देखेंगे कि तापमान जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है या रहता है, लगभग 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि कुछ जो क्षेत्र हैं, ये तो हम मौसम या ऋतुओं की बात कर रहे थे, इसके साथ हम देखेंगे कि जो कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर रात एवं दिन के तापमान में भी बहुत अधिक अंतर होता है। लेकिन वहीं पर हम देखेंगे कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां दिन और रात के तापमान में भी बहुत डिफरेंस या अंतर जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कि हम देखेंगे कि जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान में ही हम बात कर रहे हैं, तो ये थार के मरुस्थल में जो दिन का तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। लेकिन उसी दिन के रात के समय में हम देखेंगे कि यहाँ का जो तापमान है वो घटकर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रह जाता है। दूसरी ओर हम देखेंगे कि जो केरल या फिर अंडमान निकोबार, या हम किसी भी तटीय क्षेत्र की बात करें, जैसे केरल, अंडमान निकोबार हो गया, या चेन्नई की हम बात कर लें, तो ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां दिन और रात के तापमान में कोई बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो असमानता देखने को नहीं मिलती। जैसे दिन में अगर तापमान वहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो रात का भी जो तापमान है वो लगभग 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं, दिन का जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है एक दिन का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता एक जगह और एक जगह। उसी समय या उसी दिन के रात और दिन के तापमान में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस या अंतर देखने को मिलता है। तो हम दैनिक तापमान में भी जो भिन्नता है वो देख रहे हैं, और मौसम के अनुसार भिन्नता तो हमने देखी ही कि पूरा भारत के ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि इस तापमान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें मिलते हैं। ये तो हो गई तापमान की बात, आइए अब हम देखते हैं वर्षा की स्थिति पर नज़र डालें। तो जब हम वर्षा की स्थिति पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि वर्षण के रूप और प्रकार दोनों में ही अंतर देखने को मिलता है। इसके रूप और प्रकार में ही नहीं, इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार भी इसमें हमको भिन्नता जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कि रूप की हमने बात की, वर्षा के रूप की, तो हम देखेंगे कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जो है वो हिमखंड के रूप में होती है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में हम देखेंगे तो वर्षा के रूप में होती है। यही वार्षिक वर्षण में भी भिन्नता जो है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे हम मेघालय की बात कर लें, तो मेघालय में हम जहाँ देख रहे हैं कि 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं राजस्थान का जो एकदम पश्चिमी इलाका है, मरुस्थली जो इलाका है, वहाँ पर लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ही वर्षा देखने को मिलती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वर्षा का रूप, कहीं पर हिम के रूप में वर्षा हो रही है, तो कहीं वर्षा के जल के रूप में वर्षा हो रही है। वितरण भी देख रहे हैं, कहीं पर एक जगह 400 सेंटीमीटर वर्षा मिल रही है, तो दूसरी जगह मात्र 10 से 12 सेंटीमीटर ही वर्षा देखने को मिल रही है। चाहे हम राजस्थान के इलाके में चले जाएं या हम लद्दाख में ही चले जाएं,
तो वहां पर भी हमें यही स्थिति देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि देश का जो अधिकांश हिस्सा है, पूरे देश का अधिकांश जो हिस्सा है, वो लगभग जून से सितंबर के बीच में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। मतलब पूरे भारत में जितनी बारिश होती है उसका 90% जो हिस्सा है वो जून से सितंबर के बीच में प्राप्त की जाती है। लेकिन वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कि, जैसे हम बात कर लें तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो अधिकतर इलाका है वहाँ पर हम देखेंगे कि अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और जैसे हमने अभी बारिश के वितरण की बात की ना, तो जो 90% हमने कहा, तो ये वर्षा ऋतु में ही प्राप्त की जा रही है पूरे देश के अधिकांश हिस्से में। और जो 10% बारिश का हिस्सा है वो हम देख रहे हैं कि इस तमिलनाडु के तटीय इलाके में हमको देखने को मिलती है। और ये वर्षा कब होती है? लौटते हुए मानसून से, या उत्तर पूर्वी मानसून से, या हम कहें कि ठंड के मौसम में इस क्षेत्र को अधिकतम वर्षा जो है वो प्राप्त होती है। अब इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि देश की जो स्थलाकृतिक बनावट है इसके कारण भी हमें तापमान में अंतर देखने को मिलता है। जैसे सामान्य रूप से हम देखेंगे कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनके तापमान में हमको बहुत कम अंतर देखने को मिलता है, और जबकि देश का जो आंतरिक भाग है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मौसमी परिवर्तन तापमान में जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो जो समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापमान में हमें बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की थी कि जैसे दिन का तापमान जो है वो अगर 25 डिग्री 24 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है तो रात का तापमान भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लगभग 1 से 2 डिग्री का ही अंतर उसमें आता है, या 1 से आधा डिग्री का ही अंतर उसमें होता है दिन और रात के तापमान में। वहीं हम अगर मौसम के अनुसार भी देखें तो हम ये देखेंगे कि गर्मी या ठंड के मौसम में भी तापमान में उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते, लगभग 3 से 4 डिग्री ही तापमान का वेरिएशन उसमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पर 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो रहा है तो ठंड के मौसम में देखा जाएगा कि लगभग 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान रहेगा। इसके साथ ही हम एक और जलवायु संबंधी विशेषता हम अपने भारत में देखेंगे कि जैसे जैसे वर्षा के संबंध में है, अगर हम मैदान के पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमें वर्षा की मात्रा जो है वो कम देखने को मिलती है। मतलब इस मैदान के पूर्वी हिस्से में जो है वो बारिश अधिक होगी, और उसके बाद जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमें वर्षा की मात्रा में क्रमशः कमी देखने को मिलती है। फिर हम इसे समझ सकते हैं कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, ये सब जो है आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो इसमें वर्षा की मात्रा में अंतर के आधार पर हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। बच्चों, ये जो इतनी सारी भिन्नताएं हमने देखी मौसम और जलवायु के संबंध में, वो हम देखेंगे कि यहाँ लोगों का जो रहन सहन है या उनकी जीवन की जो विविधता है उसमें भी हमें देखने को मिलती है। और जीवन में जो ये विविधता है वो किस रूप में मिलेगी, तो यहाँ इनके द्वारा किए जाने वाले भोजन में, इनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े या वस्त्र के रूप में, और इन ये जहाँ पर निवास करते हैं जो इनका आवास होता है घरों में भी हमें जो अंतर है वो देखने को मिलता है। और वो कैसे, जैसे जो राजस्थान है, यहाँ राजस्थान में घरों की दीवारें हम देखेंगे कि यहाँ दीवारें मोटी और छतें जो हैं वो सपाट और चपटी होती हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन हवाएं बहुत तेज चलती हैं और सूर्य का प्रकाश भी बहुत अधिक मिलता है, मतलब तापमान जो है वो बहुत अधिक होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जैसे तराई क्षेत्र है, पूरे हिमालय के निचले हिस्से में जब हम आते हैं तो हमने स्थलाकृति में पढ़ा था पहले भाबर में बड़े बड़े गुलाश में या चट्टानी टुकड़े मिलते हैं, और इन चट्टानी टुकड़ों के नीचे हमने देखा था कि नदियां जो हैं वो लुप्त प्राय हो जाती हैं, मतलब नदियों का जल जो है वो नीचे
भूमिगत हो जाता है। फिर इससे नीचे जैसे हम आते हैं तराई क्षेत्र में, तो हमें बहुत बारीक चट्टानी टुकड़े या बहुत हम कहें रेतीले जो क्षेत्र हैं वो देखने को मिलते हैं। और जो भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त तो हो जाती हैं, वो पुनः इस तराई क्षेत्र में उभर आती हैं या प्रकट हो जाती हैं। और ये एक पूरा दलदली क्षेत्र होता है, चूँकि बारीक काप मिट्टी वाला क्षेत्र हम कह सकते हैं, बारीक जो बालू के क्षेत्र हम कह सकते हैं, या बहुत ही सूक्ष्म यहाँ पर चट्टानी टुकड़े देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर नदियों के प्रवाह के कारण ये पूरा जो क्षेत्र है वो एक दलदली क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है। तो जब हम इस तराई क्षेत्र की बात करें, या इसके साथ ही साथ जैसे गोवा है या मैंगलोर है, यहाँ पर इन क्षेत्रों में हम देखेंगे तो यहाँ घरों की जो अधिकांश घरों की जो छतें हैं वो हमें ढाल वाली छतें देखने को मिलती हैं। और कारण यही है क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत अधिक होती है, और अधिक बारिश के कारण अगर सपाट छत बनाई जाएगी, सपाट या चौरस छत बनाई जाएगी तो बारिश का पानी जो है वहाँ पर रुक जाएगा, जिससे सीलन की जो समस्या है या सिपेज जैसी समस्या यहाँ पर आ सकती है, जिसके कारण यहाँ पर घरों की छतें जो हैं वो ढालूनुमा या ढाल वाली बनाई जाती हैं, जिससे बारिश का पानी यहाँ पर रुके नहीं और उस ढाल के सहारे जो है वो नीचे की तरफ गिर जाए। इसी के साथ हम देखते हैं जैसे असम में हम आ जाते हैं, तो असम में हम देखेंगे कि प्रायः जो यहाँ पर घरें होती हैं वो बांस के खंभों के ऊपर बनाई जाती हैं। इसको भी हमने पढ़ा था अपने जब हमने स्थलाकृति की बात की थी, तो यहाँ पर बांस के खंभों में घर क्यों बनाए जाते हैं? हमें मालूम है कि ये असम मेघालय वाला जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य का जो क्षेत्र है, वो भारत की जो अधिकांश वर्षा है वो यही क्षेत्र जो है वो प्राप्त करता है। तो बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण, लगभग 300 से 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो हम कह सकते हैं कि विषैले कीड़े मकौड़े होते हैं या जो जंतु जानवर होते हैं, अगर धरातल पर ही ये घर बनाए जाएंगे तो इनका प्रकोप जो है वो बहुत अधिक हो सकता है। तो इससे बचने के लिए, इन कीड़े मकोड़ों से या जंतु जानवरों से बचने के लिए यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ये अपने घरों को बांस के खंभों में बनाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन बांस के खंभों में ही इनके घर जो हैं वो टिके हुए हैं, लटकती हुई अवस्था में हैं। तो इस कारण ये धरातल से ऊपर जो है ये अपने घर बनाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि घरों में भी जो है ये जलवायु या मौसम से संबंधित जो विविधता है वो यहाँ पर रहने वाले लोगों के आवास में भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे ही जैसा इस कुछ क्षेत्रों की हमने बात की, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षक के साथ बैठकर चर्चा कीजिए कि भारत के अलग अलग हिस्सों में आवास जो हैं वो किस प्रकार के बनाए जाते हैं, अन्य हिस्सों में इसके साथ ही साथ वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार के वस्त्र या कपड़े पहनते हैं, तो वस्त्र में जो भिन्नता है वो किस प्रकार देखने को मिलती है, और साथ ही भोजन से संबंधित जो विविधता है वो किस प्रकार की होती है, ये सारी बातों को आप विचार कीजिए और अपनी कक्षा में भी अपने विषय के शिक्षक के साथ बैठकर इसे चर्चा कीजिए।